In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition, he was an expert in law, Latin, blah, 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 blah. Madrasa, 1781, Arabic, Persian, Analysts, Orientalists. हिस्ट्री इतनी बोरिंग क्यों है मैम? सो गाइस, आई हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम न्यूमरस स्टूडेंट्स मेनी मेनी टाइम्स इन माय इयर्स ऑफ टीचिंग कि हिस्ट्री मैम इतनी बोरिंग क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, व्हाई इज इट कि हम कि मतलब कि हम हिस्ट्री के बिना क्या हमारी जिंदगी नहीं चल सकती जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो मैथ्स पढ़ने हैं ये समझ सकते हैं, सिविक्स भी चलो आज की दुनिया के बारे में बताती है, बोरिंग है पर पढ़ लेंगे, बट हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं और इतनी बोरिंग हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वाई इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी सो बोरिंग बाय सो मेनी स्टूडेंट्स एंड वॉट एग्जैक्टली कैन यू डू टू मेक हिस्ट्री सुपर इंटरेस्टिंग। सो लेट अस बिगिन। वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी बोरिंग इज क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं। बच्चा ये वाला लाइन अंडरलाइन करो कि टुवर्ड्स द 19th सेंचुरी इंपॉर्टेंट रीजंस डेवलपमेंट हुए कम्युनिकेशन में, और ये अंडरलाइन कर करके और बोरिंग बना बना के हिस्ट्री को आप जो हो भूल जाते हो कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और ऑब्जेक्ट्स और सब यू नो किंग्स और क्वींस के बारे में नहीं है। हिस्ट्री जो है एक ब्यूटिफुल स्टोरी है अबाउट हाउ डिफरेंट थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, है ना। हम लोग जो है मोटी सी हिस्ट्री की बुक को देख के डर जाते हैं कि यार इतना थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी तो है ही, अगर आप अपनी खुद की हिस्ट्री बताओगे तो उसमें ही कितना थ्योरी होगा, है ना। तो काफ़ी सारी थ्योरी और हमें लगता है इससे अच्छा तो पतली सी सिविक्स और ज्योग्राफी की बुक है, उसमें इतना नहीं पढ़ाई करनी पड़ती, है ना। अनदर प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि यार इतनी सारी लाइनें हैं हिस्ट्री में, क्या सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या छोड़ना है, है ना। अगेन अनदर बिग कन्फ्यूजन, राइट। एंड वन मेजर कंप्लेंट दैट स्टूडेंट्स हैव इज कि मैम हिस्ट्री जो है वो मरे हुए लोगों के बारे में है, इतने साल पहले जो मर गए थे, यू नो उनका उनका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, क्यों पढ़े हम उनके बारे में। अब जो हिटलर है उसने जो किया सो किया, गलत किया पता है हमको, पर इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। या फिर अगर हम लोग पढ़ रहे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वाई डू वी हैव टू गो इन टू द डिटेल ऑफ सम जूनियर जज जो इंडिया आया था, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ा था, Why are we doing this all of this जब हमारी आज की लाइफ में इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। Am I right? Right? Now another thing that people absolutely hate about history is memorizing dates, right? For example, जब आपसे पूछा जाता है कि ये वाली बैटल कब होती है या ये वाला एग्रीमेंट कब साइन होता है और आप ऐसे बैठे हो तो Who cares कब एग्रीमेंट साइन होता है? It's not like मैं आते जाते वॉक कर रहा हूँ, जॉब्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, कोई मुझसे रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा। आई कैन ऑलवेज गूगल इट, राइट। वाई डू आई नीड टू नो अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन और अ डेट, राइट। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप सब सही हो। अगर आप हिस्ट्री को इस लेंस से देखोगे तो वो एब्सोल्युटली एक सबसे ज़्यादा बोरिंग और मोनोटोनस सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, और हिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले आप यंग वंडर्स के सारे हिस्ट्री के वीडियोस देखो, जहाँ पर हम हिस्ट्री को लाइंस पे नहीं बट हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने 8th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ ब्रिटिशर्स चेंज द एजुकेशन सिस्टम। अब वो आज की लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो एवरीडे सिचुएशन से कि अच्छा इसीलिए हमारा स्कूल सिस्टम ऐसा है, अच्छा इसीलिए हमारे इतने पीरियड्स है, इसीलिए हमारे मिड टर्म्स और फाइनल एग्जाम्स होते हैं, अंग्रेजों ने पहले लोगों को ने हमारी भी एजुकेशन सिस्टम को खराब करके चले गए, राइट। सो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज कि जब भी आप अपनी हिस्ट्री बुक खोलोगे तो आपको हमेशा पिक्चर्स दिखती है हिस्ट्री बुक में, राइट। हमेशा ध्यान रखो इन पिक्चर्स को, उन सोर्सेज जो सोर्स वाला बॉक्स है उसको पढ़ाई की तरह मत लो, यू नो रीड दैट एज वेल, क्योंकि वो जो पिक्चर्स है इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू रिलेट विद इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस बिफोर। हिस्ट्री थोड़े मूवीज देखो, यू नो फन होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे हिंदी मूवीज ही कितनी सारी आती है। अभी वो आई है ना चोला किंगडम पे सेल्वन सम सेल्वन मूवी वो देखो, और उधम सिंह देखो जो जलियांवाला बाग पे था, अलग अलग मूवीज आ चुकी है, उन सबको देखो एंड आपको हिस्ट्री से खुद ही प्यार हो जाएगा।
रोल प्ले करो, इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, इमेजिन यू आर गांधी जी हु हैज कम टू इंडिया इन 1915 और आपको देश की हालत लगती है तो आपको क्या लगता है आप क्या करते है ना, उस तरीके से अगर आप हिस्ट्री को सोचोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा हिस्ट्री में, अगर आप कनेक्ट कर पाओगे कि पास्ट में जो आता है उसका हमारा इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, अगेन आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड जहां तक हिस्ट्री में इतना रटना है उसकी बात है तो कहीं थोड़ा सा ज्यादा रटना तो है ही, क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे हो, बट जब आप उसी कहानी को 3-4 बार पढ़ते हो, अपने मम्मी पापा को कहानी सुनाते हो, तो आपके दिमाग में वो स्टोरी इम्प्रिंट हो जाती है। जब आप अपने फ्रेंड्स को अपनी कहानी बताते हो कि यार जब मैं छोटा था मैं ये शैतानी करता था, है ना, बताते हो ना, तो वो कहानी तो आप भूलते नहीं, तो ये कहानी कैसे भूल सकते हो? इसलिए नहीं भूलोगे क्योंकि आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो आपकी हालत ऐसी नहीं होगी। सो दिस लुक एट दिस मीम वेयर यू आर सेइंग हे ब्रेन रिमेंबर स्टडीइंग दिस स्टफ, एंड ब्रेन इज लाइक या वी टोटली स्टडीड दैट, लाइक ऑसम, सो व्हाट्स द आंसर, एंड ब्रेन इज लाइक मुझको क्या पता भाई, खुद देख ले क्या आंसर है, राइट right? तो अगर आप चाहते हो आपकी ऐसी हालत ना हो, मेक श्योर दैट यू स्टडी हिस्ट्री इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे पॉसिबल, ऑलराइट। सो गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर वन ऑफ द हिस्ट्री लवर्स और हिस्ट्री हेटर्स, डू यू लव हिस्ट्री बट डोंट लाइक टू स्टडी इट फॉर द एग्जाम, और डू यू जस्ट नॉट लाइक हिस्ट्री? डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ यंग वंडर्स, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं 6th, 7th, 8th का अमेजिंग अकेडमिक कंटेंट, एज वेल एज मोटिवेशनल वीडियोज, यू नो, स्टूडेंट लाइफ पे वीडियोज एंड एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट, बाय बाय, हैव अ हैप्पी संडे।